से। अगर बी टाउन में किसी की शादी की अनाउंसमेंट सबसे ज्यादा अवेटेड है तो वो है आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी की। और ऊपर से खबर आई है कि अब तो इस शादी में और भी वक्त लग जाएगा। सोर्सेज रिवील दैट आदित्यज एस्ट्रेंज्ड वाइफ पायल डिमांड कर रही है हाई एलिमनी, यानी कि सम क्रोर्स पर ईयर, जो कि सेपरेशन के लिए बहुत बड़ी कीमत है। एंड अपेरेंटली आदित्य कैन नॉट पे सच हाई अमाउंट। सोर्सेज ने ये भी बताया कि रानी इस बात से काफी अपसेट है और अगर आदित्य अपने डाइवोर्स को और पुश करते हैं तो शायद रानी विल गिव अप द आइडिया ऑफ आदित्य एंड स्टार्ट साइनिंग फिल्म्स आउटसाइड द YRF बैनर। वेल वी होप कि ये कपल अपनी प्रॉब्लम्स को जल्द ही सॉर्ट करे। म्यूजिक डायरेक्टर्स विशाल और शेखर रिसेंटली हमारे सामने आए टू टॉक अबाउट देयर दोस्ती कॉन्सर्ट, जो कि जल्द ही होने वाला है, एंड वेयर दीज टू विल बी गिविंग अ लाइव स्टेज परफॉर्मेंस। यू गेट टू सी लाइव म्यूजिक, यू गेट टू सी अ ब्लेंड ऑफ द मॉडर्न एंड द ट्रेडिशनल, एंड यू गेट टू सी अस हैविंग अ रियली गुड टाइम। अब क्योंकि ये एक दोस्ती कॉन्सर्ट है तो विशाल और शेखर दोनों ने यहाँ अपनी लॉन्ग लिव फ्रेंडशिप पर भी शेयर किए कुछ एनेक्डोट्स। वी नो ईच अदर फॉर टू लॉन्ग, वी लव ईच अदर लाइक ब्रदर्स, यू नो। सो अगर गाने के बारे में कोई डिस्कशन होती है तो आई मीन वी बेसिकली वी ट्राई बोथ आइडियाज एंड सी व्हाट वर्क्स। वी जस्ट पंच ईच अदर ऑन द फेस। ये बहुत छुपा रखा है, आप लोग जानते नहीं हो, अंदर सब एप्स वगैरह वगैरह सब कुछ। लेकिन जब हमने शेखर से उनके एक्टिंग डेब्यू के बारे में पूछा तो इन दोनों ने इस बात को मजाक में उड़ा दिया। वो शेखर ने मुझे भी कंफर्मेशन दिया नहीं है, तो उस बात पे मैं और कोई नहीं बनाया, तो मैं तो बना। क्या बात, इतना तो कर ही। अच्छा, ये अनाउंसमेंट मैं कर सकता हूँ? हाँ, आप लोग आ जाइएगा देखने। और कोई आया नहीं? कितने, 30-40 लोग हैं? चलो, इट्स अ बिग क्राउड फिल्म है। वेल एनीवेज, एक्टिंग और नो एक्टिंग, योर म्यूजिक इज डेफिनेटली समथिंग दैट यू गाइस रॉक एट। Go sing.